हेलो गाइस, आज हम सेल्फ फर्टिलिटी टेस्ट करने वाले हैं और इस टेस्ट को करने के लिए हम खुद से 5 सवाल पूछेंगे और उनके जवाब के अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे कि आपका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है। अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं नेचुरली कंसीव करने के लिए और नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इन 5 सवालों में आपका समाधान छुपा हुआ है और इन सवालों के जवाब आप कहीं नोट करते जाएँ और उसके अकॉर्डिंग टिप्स फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बेस्ट सोल्यूशन मिलेगा। सो गाइस, मेरा नाम है अर्चना, वेलकम टू माय चैनल द वुमेन कनेक्शन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको पीरियड 28 दिन से 35 दिन के बीच में आता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अगर इसका आंसर ना में है, आपको पीरियड 26 दिन से पहले या 35 से 40 दिनों के बीच में आता है तो आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाना चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्यों आपका पीरियड जल्दी या लेट आता है। ज़्यादातर आजकल महिलाओं में 40-50% लेडीज़ में पीसीओडी पाया जाता है, जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर रहता है, या फिर सिस्ट की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो सबसे पहले इसका कारण जानना ज़रूरी है। मेरे चैनल पर मैंने सीड साइक्लिंग के बारे में बताया है जो इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करता है, तो आप वो वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं और आपके जो हार्मोनल डिसबैलेंस का प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो का। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, अगर आपको पीरियड के 7 से 8 दिन बाद एक लिक्विडी सा चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इससे ये शो होता है कि आपकी बॉडी में एग्स बन रहे हैं और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप नेचुरली तरीके से कंसीव कर सकते हैं। अगर आपका आंसर ना में है तो आपको ओवल्यूशन नहीं हो रहा है, ये प्राथमिक लक्षण है आपके कंसीव ना कर पाने का। ओवल्यूशन के लिए बहुत सी रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको भी बताऊंगी। अगर आपने टेस्ट करवाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी फॉलो करें। लौंग का ड्रिंक होता है, सौंफ का ड्रिंक होता है, शतावरी का ड्रिंक होता है, पीपल के पत्तों का ड्रिंक होता है। ये सारे ड्रिंक्स मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी कि कैसे बनाते हैं और इसे कैसे लिया जाता है, बट ये जो 4 ड्रिंक होते हैं ये आपके ओवल्यूशन को बूस्ट करने के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपको इंटरकोर्स के टाइम पे दर्द होता है, जलन होती है या फिर ड्राइनेस रहती है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है आपको? अगर इसका आंसर ना में है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, बट अगर इसका आंसर हाँ में है, आपको दर्द होता है, जलन होती है या फिर ड्राइनेस रहती है, तो यह एक अबनॉर्मलिटी है। इसके लिए भी आपको पहले आपकी एक बेसिक जाँच करवानी चाहिए। एंड होम रेमेडी में आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट वो कोल्ड कंप्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप इंटरकोर्स से पहले लुब्रिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सर्वाइकल म्यूकस बढ़ाने के लिए आप शतावरी का यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है सर्वाइकल म्यूकस को बढ़ाने के लिए। आप इसे किसी भी रूप में खा सकते हैं। एंड पोषण की कमी की वजह से भी म्यूकस में कमी आती है, सो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है कि आपके खाने में सारे पोषण मौजूद हो, विटामिन्स, हेल्दी फैट, मिनरल्स, सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि आपका सर्वाइकल म्यूकस बराबर रहे। एंड अब फोर्थ क्वेश्चन है कि पिछले 6 या 8 महीने से क्या आपका वज़न लगातार तेज़ी से घट रहा है या बढ़ रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो? अगर इसका आंसर हाँ में है तो आप ये कैजुअली नहीं लेना है, इसको आपको सीरियसली लेना है कि आपका वज़न अचानक से क्यों तेज़ी से बढ़ रहा है या घट रहा है। ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को शो करता है। कई बार थायराइड की कंडीशन में भी ऐसा होता है, कई बार पीसीओडी की कंडीशन में भी वेट कम या ज़्यादा होता है। आपको अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है ताकि आपका मेटाबॉलिक बराबर वर्क करे। एंड आपको टेस्ट भी करवा लेना है कि कहीं आपको कोई सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तो नहीं है। एंड लास्ट 5th क्वेश्चन है, पेट से संबंधित समस्याएं। अगर आपको कब्ज बना रहता है तो ये यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होने का एक संकेत है।
अब आप बोलेंगे कि पेट तो ऊपर होता है और यूट्रस तो नीचे होता है, तो इन दोनों का क्या संबंध? बट अगर आपका पेट हेल्दी नहीं रहेगा, आपको कब्ज रहेगा, तो आपका यूट्रस भी हेल्दी नहीं रहेगा, उसमें भी असर पड़ता है और फाइब्रॉइड्स होने के चांस रहते हैं। और अगर इसके साथ ही आपको एसिडिटी होना, पेट में भारीपन लगना, सांस फूलना जैसी चीज़ें भी अगर लगती है, तो इसका मतलब यह है कि आप खा तो रहे हैं बट आपको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वह उससे आपको एसिडिटी हो रही है, भारीपन हो रहा है, जिससे कि फिर आपका एग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। सो आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए, अपना एक डाइट चार्ट प्रिपेयर कीजिए और कोई भी एक अनाज पे स्टक मत रहिए। जैसे कि रोज़ चावल या गेहूं ही बस मत खाइए, आप सातों दिन अलग अलग प्रकार के अनाज खाइए, जिससे आपको सारे पोषण मिलेंगे एंड आपकी एग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। सो इस तरीके से अपने खाने को अच्छे पोषण में बदलिए। सो गाइस, ये 5 सवाल और उनके जवाब आपको बहुत मदद करेंगे आपकी प्रॉब्लम को समझने और उनको दूर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक